कॉन्फ्रेंस करेगा जहाँ मेरे पिताजी और सभी पदाधिकारी और मेरी महिला शक्ति और नारी शक्ति और युवा साथियों को सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार करती हूँ। पूरे देश को पता है कि आज देश का युवा आंदोलन कर रहा है, आज देश की बेटी बेटी लड़ना पड़ रहा है, पूरे देश को पता है। और हमारे अजय लल्लू जी उन्होंने भी कुछ सच बोला है, इतिहास ही बना देंगे मुरादाबाद को, आज की रैली तो जैसे तैसे कर ही लेंगे। 40 बसें पीछे रोकी हुई है अभी, बाकी सभी को पता है समस्याएं कितनी है। बहुत कम समय में बोलूंगी कि आप सभी लोग एक ऐसी बेटी को आवाज करती हूँ, मैं उस देश की नारी का जो इतिहास लिखती है, ऐसी बेटी मैंने प्रिय गांधी जी को सपोर्ट कीजिए, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संविधान की लड़ाई को खुद लड़ रही है। जब जब कोई सड़कों पर नहीं होता तो एक बेटी होती है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होता है। जब अरुण पाली की जैसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो कांग्रेस और प्रियंका गांधी और अजय लल्लू जी जैसे लोग सड़क पर होते हैं, कोई नहीं होता। तो मैं आइए आप सभी का स्वागत करती हूँ कांग्रेस पार्टी के परिवार में, आह्वान करती हूँ उस युवा का जो आज बेरोजगार है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उन्होंने बेरोजगार किया, आह्वान करती हूँ मैं उस किसानों का जिन्होंने इतनी दलित की बीजेपी पार्टी ने की है, आह्वान करती हूँ मैं उस नारी शक्ति का जिनका हर वक्त अपमान किया गया है। आइए आप सभी लोगों की सख्त जरूरत है संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये लिखे अपनी शाही से जुल्म, लिखे अपने